आज की बात स्वागत। आज 9 अगस्त है। 9 अगस्त विश्व में विश्व आदिवासी दिवस के रूप में जाना जाता है। दरअसल इसकी शुरुआत हुई है सन 1982 में, जब संयुक्त राष्ट्र ने इसे अपनी कमेटी में मानव अधिकारों की संरक्षा और उसकी सुरक्षा, उसका समर्थन, इस दृष्टि से विश्व के जितने भी इंडिजीनियस पीपल्स हैं इन सब के लिए एक मानवीय सुरक्षा का दिवस के रूप में इसे मनाया जाए और जहाँ जहाँ भी ये जीवन है उस जीवन को सुरक्षित करने में, उसको विकसित करने में किस तरह के नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ा जाए, इसके लिए इस दिवस को मनाने की परंपरा बनी। यदि हम अपने यहाँ देखें तो हमारे यहाँ इंडिजीनियस पीपल्स जो हैं उन्हें आदिवासी कहा जाता है। बहुत सारे लोग ये जो सारी जनजातियाँ हैं जो आदिम जनजीवन की एक खास पहचान लेकर आती है, इन जनजातियों को हमने शेड्यूल के रूप में अपने यहाँ रखा, उसका शेड्यूल ट्राइब बनाया और ये सारे ट्राइब को हम हमारे यहाँ आदिवासी कहते हैं। इतना वक्त बीत चुका है, ये जो हमारे देश का आदिवासी समुदाय है, जो मूल रूप से मूल निवासी समुदाय है, हमारे पाषाण युग के विकास से लेकर तो आज इस वक्त में, अभी हम सिंधु घाटी तक भी अगर इसे देखें तो सिंधु घाटी तक भी, पाषाण युग से सिंधु घाटी तक जो आया वो यही आदिवासी समुदाय, वो अपने अस्तित्व के लिए, अपने संघर्ष के लिए, व्यक्तिगत संघर्ष भी और सामूहिक संघर्ष भी और राजनीतिक संघर्ष का भी हिस्सा है। यदि हम स्वतंत्रता के पहले का वक्त देखें तब भी वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। उससे पहले भी हम जब यहां ईसा पूर्व का जो वक्त है उसमें देखें तब भी वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, लेकिन उसके हिस्से में कभी अच्छा जीवन नहीं रहा ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन उसके अच्छे जीवन को नष्ट करने का प्रयास जरूर हुआ है और आज भी इस प्रयास से वो इतना परेशान है। आदिम जनजीवन इस बात के लिए जाना और पहचाना जाता है कि वो इस धरती के जल को, इस धरती के जंगल को और इस धरती पे जो जीव सृष्टि है उसको रहने लायक जमीन रहे, इसके संरक्षा के लिए वो हमेशा पहचाना जाता है। लेकिन ये जो जल, जमीन और जंगल का मसला है, ये इस मसले से आज पूरा आदिम समुदाय जूझ रहा है। ये जो पूरी स्थिति है हमारे यहाँ की, इस स्थिति को अगर हम देखें तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, मध्य भारत में अगर हम देखें तो लगभग 20 से 22 फीसदी आदिम जनजातियों के लोग रहते हैं। हम हमारे देश में अगर देखें तो लगभग 8.5 से 9 फीसदी लोग ये आदिम जनजीवन का हिस्सा है, आदिम जनजातियों से आते हैं। संवैधानिक स्टेटस के हिसाब से देखें हम तो संवैधानिक स्टेटस में जितने शेड्यूल ट्राइब्स हैं ये सब आदिवासी हैं और इन्हें हम कहें मूल निवासी, क्योंकि यही इस धरती के मूल निवासी हैं। लेकिन मूल निवासियों के हिस्से का जीवन कैसा है, अगर इसका कोई समीक्षण करना है, इसे यदि कोई कुछ समझना है तो ये समझने के लिए एक ही पैमाना होता है और वो पैमाना ये है कि हमने इस जीवन को सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से कितना सक्षम देखा है। हमारे यहाँ विश्व आदिवासी दिवस पर एक चीज को देखा जाता है और वो है समूह गान और समूह नृत्य, जो आदिम जनजातियों के जीवनचर्या का हिस्सा है। लेकिन इस जीवनचर्या में एक बात आप समझ सकते हैं कि ये जो सामूहिक नृत्य है और सामूहिक गान है, ये सब आदिम जनजीवन की इकट्ठे रहने वाली जो संस्कृति है उस संस्कृति का ये हिस्सा है। लेकिन वर्तमान समय में स्वतंत्रता के 75वें साल में है, इस स्थिति में भी हमने इस आदिम जनजीवन को, आदिवासी समुदाय को कैसे संभाला, इस बात का थोड़ा समीक्षण होना चाहिए। और ये अगर ना हो तो फिर विश्व आदिवासी दिवस का कोई खास महत्व हमारे लिए नहीं बचेगा।
आज मणिपुर की स्थिति देखिएगा, मणिपुर में क्या चल रहा है। विश्व आदिवासी दिवस आज मनाया जा रहा है और आज मणिपुर की हिंसा को लेकर उसके विरोध में कई जगह जितने भी आदिम जनजातियों के हक और अधिकारों के लिए लड़ने वाले संगठन हैं, वे जगह जगह पर मोर्चे निकाल रहे हैं, उनके धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। कई संगठनों ने इसके लिए अलग अलग आंदोलनों की घोषणा की है। हम कहते हैं कि हमारा देश ये गाँव का देश है और हमारे गाँव में अधिकतर गाँव बहुत दूर जंगलों में है। वहां जंगलों में जब हम पहुंचते हैं तो जंगलों में स्थिति यह है कि उन्होंने जल, जमीन और जंगल को सहेज कर तो रखा है, लेकिन उस पर वर्तमान राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का आक्रमण भी हो रहा है और ये संघर्ष भी बड़े जोरों से चल रहा है। आदिम जनजीवन को अपने सामाजिक, अपने राजनीतिक, अपने आर्थिक अधिकारों को बचाते बचाते अब उन्हें इस स्थिति में पहुंचना पड़ गया है कि अब उनका संघर्ष सांस्कृतिक भी बन गया है, क्योंकि आज इन आदिवासी समुदायों को, आदिवासी मूल निवासियों को अब वनवासी के नाम से भी संबोधित किया जा रहा है और वनवासी ये संबोधन आदिवासी पहचान को खत्म करने वाला संबोधन है। तो इस संबोधन के विरुद्ध भी कई आदिवासी संगठन खड़े हुए हैं और ये संघर्ष अब सांस्कृतिक संघर्ष में बदलता जा रहा है। आदिवासी समाज की आज की जो स्थिति है, उनका जो आज का संघर्ष है, उस संघर्ष में हम ये देखते हैं कि जो क्रिमिनल ट्राइब्स जो आइडेंटिफाइड किए गए, उन क्रिमिनल ट्राइब्स में कई जनजातियां जिनमें असुर, ढोर, कोली, कठोड़ी, बहलिया, चोटा, घूटा शिकारी, हलवा, बंजारा, मांझी, इन जातियों को इन नामों से जो चिन्हित किया गया, इसका विरोध भगवान बिरसा मुंडा ने बड़ी ताकत से किए थे। ये सांस्कृतिक संघर्ष की जो लड़ाई है आदिम जनजीवन की, ये बड़े लंबे समय से चल रही है, हजारों साल से ये लड़ाई लड़ी जा रही है और अपने जमीन को बचाने की जो बात है उसके लिए आदिम जनजीवन का संघर्ष बड़े लंबे समय से चल रहा है। हम दो चीजों को देख सकते हैं, एक तरफ आदिवासी अपनी आदिम पहचान को, अपनी मूल निवासी पहचान को बनाए रखने के लिए लड़ रहा है और एक दूसरा समूह है, वो समूह इस पहचान को मिटाने के लिए और इनको किसी दूसरे नाम से संबोधित करने के लिए लगा है ताकि ये पहचान मिट जाए। इंडिजिनियस पीपल के लिए ये जो खास सुरक्षा आती है, ये सुरक्षा को ही अगर खत्म किया जाए तो फिर आदिम जनजातियों ने जो जल, जमीन और जंगल को बचाए रखा है वो फ्री हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। ये भी एक उसके पीछे की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जरूर है। आप देखिएगा कि यदि हम वर्तमान समय में आदिम जनजीवन की बात करें तो रोजगार और शिक्षा, ये दोनों चीजें आदिम जनजीवन के पास बिल्कुल थोड़ी सी, और कहीं कहीं तो वो है ही नहीं, जबकि ये इतना बड़ा वक्त बीत चुका है। यदि हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की रिपोर्ट को अगर देखते हैं तो कुछ हजार छात्र मिलते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं और कुछ हजार छात्र मिलते हैं जो ग्रेजुएट की पढ़ाई तक पहुंचे हैं, लेकिन वे गांव में नहीं, गांव से बाहर निकलकर, जंगलों में नहीं, जंगलों से बाहर निकलकर। आप देखिएगा जो हमारे कुल आबादी का एक 8.5-9% हिस्सा, लेकिन उसमें से कुछ हजार ऐसे जो कहीं कहीं तो मात्र 5 की संख्या में पहुंचते हैं। यदि हम रोजगार की स्थिति देखें तो रोजगार भी वो नहीं है जो वास्तव में होना चाहिए था, और आज भी आदिम जनजीवन ये जंगल पर ही निर्भर है और जहां जंगल कम हो गए हैं वहां दिहाड़ी पर निर्भर है। तो ये जो आदिम जनजीवन की जो स्थिति है, इस स्थिति से उभारना, इसके लिए विश्व आदिवासी दिवस का मनाया जाना सार्थक होता है।
कि इस आदिम जनजीवन का ये जो वास्तविक रूप इस वक्त हमें दिखाई देता है, यहां से इस जीवन को बाहर निकालना और इस जीवन को जीवन के अधिकार मिलने चाहिए इस स्थिति तक ले आना। लेकिन ये मिले नहीं, और नहीं मिले तो ये आंदोलन भी हम बड़े लंबे समय से देखते हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में ये आंदोलन साल भर सुनाई देते हैं और दिखाई देते हैं। ये स्थिति मध्य भारत में, यही स्थिति हम जहां जंगलों की ओर जाते हैं, पहाड़ों की ओर जाते हैं, वहां यही स्थिति मिलती है। और इसलिए इस स्थिति से उभरने के लिए संकल्पित होना, ये वास्तव में विश्व आदिवासी दिवस मनाने का वास्तविक तात्पर्य है। हम उम्मीद करेंगे कि इस विश्व आदिवासी दिवस पर कुछ खास संकल्पों के साथ आदिम जनजीवन की सुरक्षा के लिए, उसकी संरक्षा के लिए, मान सम्मान के लिए कुछ किया जाएगा। आज की बात में यहां रुकते हैं।